हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? रीता। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? आज फोर्थ डे है। फोर्थ डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, क्या क्या सीखा आपने? हमने फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी चलाना सीखा। और प्लस कि फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर में अगर गाड़ी चल रही है और रोकना है तो पूरा क्लच दबा के ही ब्रेक लेंगे। गुड। और नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। गुड। तो चलिए सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, सीट कैसे पता चलेगी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है? ये चीज कैसे पता चलेगा? मेरा पैर क्लच तक पहुंचना चाहिए। क्लच तक पहुंचना, पूरा क्लच दबाने के बाद पैर हवा में नहीं आना चाहिए। देखो अभी तो क्लच, हाँ ये चीज, क्योंकि अगर पैर हवा में आएगा तो अच्छे से आपसे क्लच दब नहीं पाएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार कर लेना, कार का इंजन ऑन करने से पहले 2-3 बार इसको कर लेना, जिससे कि बाद में कार चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस डायरेक्शन में सीट थी उसी डायरेक्शन में बैठ गए। बेल्ट को कहाँ गया? मिला? हाँ, ऊपर वाला पॉइंट आपको खींचना है। सर ये जो है फंसाने वाला कहाँ है इसका? वो फंसा हुआ है दरवाजे में, जब आपने गेट बंद करा तो देखो दरवाजे में फंसा हुआ है। नहीं क्या ढूंढ रही हूँ इसको। जब आपने डोर बंद किया था तभी मुझे समझ में आ गया था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी आप खुद से देखोगे, जब ढूंढोगे तो मिलेगा। सीधा कैसे होगा? हाँ, हो गया। सीट बेल्ट लगाना हमारी सुरक्षा के लिए होता है, सेफ्टी पर्पस होता है, क्योंकि जो आपके एयर बैग होते हैं कार के वो ओपन नहीं होते अगर कभी कोई हादसा होता है ना, तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। बट अब आपने सीट एडजस्ट करी, फिर सीट बेल्ट लगाई, अब उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट वाला ORBM चेक करना है। अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं सेट हो रही थी। हाँ, सेट हो रही है, ठीक है। आपका मैंने वीडियो देखा था जी, इसमें क्या था कि जो क्लच पे पैर रखना है ना, अंगूठे तक ही इसको हाँ रखना है। यस, ले जाना है। यस, तो रहना चाहिए। हाँ, तो वो चीजें जो है मैं सेट कर रही थी। गुड। अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक कर लो, दिख रहा है लेफ्ट में? हाँ, राइट भी दिख रहा है, बैग भी दिख रहा है। हाँ बस, चलो अब रेडी हो गए हो? अब चलो मुस्कुराइए आप लखनऊ में और कार का इंजन ऑन करिए। कार का इंजन ऑन करते वक्त रीता जी आपका राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए? क्लच पे होना चाहिए। राइट वाला पैर वो ब्रेक पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला पैर तो क्लच दबा के इंजन ऑन ही करोगे। हाँ, राइट ब्रेक पे होना, ठीक है। चलो वेरी गुड। एक बार में कार का इंजन ऑन हुआ क्योंकि आपने की को सही तरीके से घुमाया। कुछ लोग हाफ की घुमाते और इंजन स्टार्ट ही नहीं होता है। अब देखो आपके कैलिस्टर मीटर में क्या आ रहा है, गियर डाली। गुड, राइट का सिग्नल दो। अब आपको लग रहा होगा सिग्नल मैंने क्यों दिलवाया, क्योंकि यहां तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं, ये आपकी आदत में आ जाए, क्योंकि बिना सिग्नल के कभी भी कार को बढ़ाया नहीं जाता, चाहे कार हो चाहे बाइक हो चाहे स्कूटर हो, सिग्नल देना कंपलसरी, पीछे वाले को अलर्ट करने के लिए सिग्नल देना होता है, ठीक है। अभी चलो अब हल्का सा क्लच छोड़ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा क्लच छोड़ोगे तो कार का इंजन बुझ जाएगा वहीं के वहीं। गुड, अब पूरा छोड़ो। अब कार आपकी 5 मीटर अप्रॉक्स आ गई, अब बचा हुआ क्लच आप रिलीज कर दो, अब सिग्नल ऑफ कर दो, 1 सेकंड के लिए ऑफ करो ऊपर की तरफ, बस। अब रीता जी इसको यहाँ स्टॉप करना है, क्लच, हाँ क्लच पूरा दबा दो। हाँ, आगे से राइट जाना है, क्लच दबा दे पूरा। फुल क्लच लो, ब्रेक लो हल्का, ठीक। गाड़ी रुक गई, आपने फुल क्लच दबाया और ब्रेक ले लिया, ठीक है। गाड़ी रुक गई, इंजन भी ऑन है और गाड़ी रुक गई, ना कोई जर्क आया ना कुछ आया, क्योंकि आपने पहले इंजन को कंट्रोल किया, और इंजन कंट्रोल होता है क्लच से, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ब्रेक लगा देते हैं और क्लच नहीं दबाते, और इंजन वहां बंद हो जाता है।
तो फर्स्ट और सेकंड गियर में पहले हमें इंजन कंट्रोल करना होता है, और इंजन कंट्रोल होता है क्लच से, और टायर कंट्रोल होते हैं ब्रेक से। तो यहाँ जब स्पीड ही नहीं थी तो ब्रेक की कोई नीड थी नहीं। अब आपको राइट का सिग्नल देना है, अब यहाँ से हम लोग राइट चलेंगे। पहले ब्रेक को फ्री कर दो, फिर धीरे से क्लच को रिलीज करना, क्योंकि रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला है। जाओ धीरे धीरे, चालू कर दिया कांड, क्योंकि आपने क्लच को सडन रिलीज कर दिया। क्लच को रिलीज करने में ही तो माइंड लगाना है, दबाने में तो कोई रॉकेट साइंस आई नहीं, रिलीज करने में ही इंजन के साउंड को और क्लच को दोनों को मैच करना होता है। अभी स्टार्ट करो फुर्ती से, कार बंद हो जाना कोई बड़ा कमाल नहीं, लेकिन फटाफट स्टार्ट करके वापस स्टार्ट करो, ताकि पीछे वालों को हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो। चलो अभी जाने दो, हल्का एक्सीलेटर ले लो क्योंकि यहाँ पे रोड़े हैं। बस चलो अभी टर्न करो राइट, टर्न करो, अब जाओ क्लच छोड़ो थोड़ा सा हल्का सा, हाँ टर्न करो, बस अब सीधी करो, फुर्ती से सीधी करो, गुड सीधी करो, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ क्लच को फ्री कर दो, एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। हॉर्न इसलिए था जो राइट साइड से व्हीकल आ रहा उसके लिए था, टर्न करो। अब क्लच का वर्क खत्म हो गया, क्लच का अब रोल ही नहीं है। अब क्लच का रोल तब होगा जब आप क्लच दबा के गियर चेंज करोगे, कार को रोकोगे या फिर गियर बदलोगे। मैंने अभी आपको कल एक चीज सिखाई थी ना कि हल्का फुल्का घुमाने के लिए हाथों का डायरेक्शन चेंज नहीं करते, क्यों हो जा रहा है वही चीज, तो फिर गाड़ी आपकी नागिन डांस करेगी ना रोड पे। अभी स्पीड बढ़ाइए, एक्सेलेटर लीजिए, सेकंड गियर की प्लानिंग करनी है और बढ़ाइए। कर दिया कांड आपने, फिर आपने क्लच दबा के गियर चेंज करते वक्त एक्सेलेटर भी प्रेस कर रखा था, एक्सेलेटर से पैर ही नहीं हटाया, मतलब स्पीड बढ़ा के तुरंत छोड़ देना है। मैडम स्पीड बढ़ा के वापस ब्रेक पे आ जाना है, आपने एक्सेलेटर दबा रखा था, इधर क्लच दबा के आप गियर चेंज कर रहे हो, उधर जब गियर चेंज करो उस टाइम एक्सेलेटर का कोई रोल होता है? फिर स्कूटी आप चलाती, स्कूटी में आपने ब्रेक लगा रखा और एक्सेलेटर खींच रही है, तो उसका कोई मतलब है? चलेगी गाड़ी नहीं। फिर चलो अभी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा एक्सेलेटर ले लो। हाँ पैर जब हटाना हो तो थोड़ा बता दीजिएगा। वो जब भी आप कोई एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हो तो आपका 10-20 meters पहले ब्रेक पे पैर आ जाए, आप कोई चौराहे को क्रॉस कर रहे हो तो आपका ब्रेक पे पैर आ जाए, अगर कोई कंजेस्टेड रास्ता भी दुख रास्ता आगे खराब है, अभी आपका पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए। हाँ हल्का सा ब्रेक आप ले भी सकते हो क्योंकि आप 20 प्लस चल रही थी और यहाँ पे आपको 20 माइनस निकालना, बस ब्रेक को फ्री करो पैर। और फ्री करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सेलेटर पे जाओ या पैर को वहां से हटा के मैट पे रख लो, फ्री करने का मतलब होता है जो आपने पैंडल को प्रेस कर रखा है, दबा रखा है, उसको छोड़ो और पैर आपका ब्रेक पे ही रहना चाहिए। मैं कभी कहता हूँ फ्री करो तो लोग एक्सीलेटर पे चले जाते हैं या नीचे मैट पे रख लेते हैं, वो रॉन्ग है। फ्री करने का मतलब यही है कि आपका आपका लेफ्ट रखो, ज्यादा नहीं हल्का सा, ताकि हमारी वजह से उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ हल्का राइट रखो, बस जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट आ जाओ। चलो फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को रोकना, कार को उठाना, कार को चलाना, बम्फर टू बम्फर चौराहों को क्रॉस करना, टर्न करना सीख लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर सीखने की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आ जाता है। हाँ गियर डालना सीखना है कि थर्ड गियर कहाँ लगेगा, थर्ड गियर की स्पीड क्या होती है, कितने पे गियर डालना और कितने पे गियर डाउन करना है, ये सारी बातें। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना फर्स्ट और सेकंड गियर में। अभी स्पीड बढ़ा लो, यहाँ पे थोड़ा नैरो लाइन है क्योंकि यहाँ फुर्ती से इसलिए निकालना कि अगर दूसरी कोई कार आ जाएगी तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, या तो दोनों लोग ट्रेंड हो तो वो निकाल लेंगे।
यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, खतरा किस साइड से हमें, लेफ्ट साइड से, क्योंकि सामने का तो हमें दिख रहा है, तो सीधा जाना। तो हमें ऐसे में क्या करना, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है। अभी स्पीड बढ़ा लो, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलिए। सेकंड गियर में आप 20 तक चल सकते हैं नॉर्मल। बढ़ाइए स्पीड, हाँ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के थर्ड गियर करो बीचों बीच में फटाफट। गुड। अब देखो एक कांड कर दिया ना, क्योंकि मैंने बोला था राइट वाला हाथ आपका 12 o'clock पे होना चाहिए, आपने 12 o'clock पे रखा नहीं, इसके लिए स्टीयरिंग आपकी लहरा गई। पता है एक एक वर्ड नोट डाउन करने होते हैं, जब वो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके ब्रेन में सारी चीजें एक एक बैठ जानी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि गियर बदलते वक्त राइट वाला, अभी मेरे को क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना, अभी मुस्कुराइए और चलाते रहिए बस। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, सामने ट्रक रुका हुआ है, हॉर्न इसलिए मैंने बोला था ताकि अगर इसके आगे पीछे कोई हो तो वो अलर्ट हो जाए। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, हाँ। क्लच ब्रेक पे पैर रख लो फाइनली, क्योंकि हल्का राइट रखो, क्योंकि देवी जी खड़ी थी लेफ्ट में, जानवर का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है गाय या भैंस खड़ी और अचानक डॉगी दौड़ा लेता है, वो एकदम से भड़क जाती है। कई एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं, वो अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगी। क्लच ब्रेक पे पैर रखो, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पहले क्लच दबाओ सेकंड गियर करो फटाफट जल्दी से, स्लो करो। मैडम राइट वाला पैर तो आपका ब्रेक पे था, ब्रेक पे था, क्यों नहीं यूज किया, यूज क्यों नहीं किया आपने? मैंने दबाया लेकिन आप पहले दबा दिए। कहाँ दबाया, मैंने तो ब्रेक पे पैर ही नहीं रखा, ये तो देखो। तो मैंने रखा है। हाँ तो बाद में दबाया ना आपने, लेट हो गया। नहीं नहीं ऐसे गलत है, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना ऐसे, इतना अगर डरेंगी तो कैसे बात बनने वाली। इंजन स्टार्ट करिए, सोचा मत करिए, जाम लग जाएगा एक मिनट में। क्लच दबा के फटाफट इंजन ऑन करो, इंजन बंद हो जाए कोई इश्यू नहीं, लेकिन वापस फर्स्ट गियर करो, थर्ड गियर डाल दिया आपने। चलो जाओ हल्का एक्सीलेटर लेके उठाओ, चलो। गियर बदलते वक्त राइट वाला पैर आपका क्यों ब्रेक पे, बोलता हूँ मैं लाने के लिए, ताकि ब्रेक पे पैर हो तो ब्रेक आप लगा सको, जाने दो। हाँ अब टर्न करो लेफ्ट, बस इससे ज्यादा नहीं, इधर कील कांटे पड़े हुए हैं, सीधी करो और सीधी करो बस। चलो अब स्पीड मेंटेन करो, छाओ हार्ट बीट बढ़ गई आपकी, स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, छोड़ो क्लच, ये राइट वाला हाथ आप 12 o'clock पे क्यों नहीं लाती है? भूल जाते हैं। राइट का सिग्नल दीजिए, हाँ। ना कुछ एक बार भी बताते हैं तो दिमाग। कोई नहीं कोई नहीं, वो होता है सभी के साथ होता है। चलो टर्न करो लेफ्ट वाली लाइन से, स्टीयरिंग सही से पकड़ो, सही से सही से। अब देखो राइट वाला हाथ आप यहाँ लेके आ गई थी, जो कि इधर आना ही नहीं चाहिए, उसका दायरा तो उस साइड का है ना। चलो अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को और स्पीड बढ़ाओ हल्का सा हल्का सा, फिर ब्रेक पे पैर लियो, बस अब लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। चलो सीधी करो, अभी स्पीड मेंटेन करो। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।